नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस स्पेशली सीबीएसई में इंट्रोड्यूस हुए हैं 20 मार्क्स के। और आज ये एक जो नया नोटिफिकेशन निकला है कि सीबीएसई 10th क्लास और 12th क्लास में 6 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रही है। तो ये 6 तरह के कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, उसी पर बेस्ड है आज का वीडियो। तो पहले तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लें वो पुराने सवाल जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो इन्हीं की है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। तो ये चैप्टर वाइज चलेंगे हम, तो चैप्टर वाइज चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों एक नंबर में आता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ड्रॉ करनी होती है। तो यहां आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस खींची गई हैं थोड़ी सी ऑफसेट है, एसेंट्रिक है, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक। तो ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि कई बार ये सवाल आया हुआ है। यहां पर जवाब में अगर देखें तो सीबीएसई की तरफ से जो रिलैक्सेशन है एक तरह से, इवन इफ ए स्टूडेंट मेंशंस और ड्रॉज इक्वेटोरियल प्लेन अवार्ड 1 मार्क। यानी जब आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इस तरह से ड्रॉ करने के बजाय आप अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाकर उसका इक्वेटोरियल प्लेन दिखा देते हैं तो भी आपको मिलने वाला है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड ए डिस्टेंस डी अपार्ट। तो दोनों ही पॉजिटिव हैं तो लाइंस एक दूसरे को रिपेल करते हुए जाएंगी, जैसे कि आंसर सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं। 3rd, 2 मेटलिक स्फीयर्स ए एंड बी कैप्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। A positively charged rod P is brought near the sphere A as shown in the figure. The two spheres are separated from each other and the rod P is removed. तो processes आपको दिए हुए हैं कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ। तो आपको imagine करना है what will be the nature of charges on spheres A and B. Finally यहाँ पर होने वाला क्या है। तो हम जानते हैं positively charged rod को लाएंगे तो A पर यहाँ nearby नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नहीं इन दोनों मेटल के स्फीयर्स के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट होकर एक ही नियर बाय सरफेस पर आ जाएंगे और बी की फर्दर सरफेस में बचेगा पॉजिटिव। जब हम इन दोनों के बीच गैप क्रिएट कर देंगे तो चार्ज अब आपस में आ जा नहीं सकते ए से बी तक या बी से ए तक। और उसके बाद जब हम रॉड को दूर हटा देंगे तो ए पर नेट नेगेटिव चार्ज होगा, बी पर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर ए और बी के बीच का गैप भी बढ़ा दें तो ए वाला नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पर और बी वाला पॉजिटिव भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो स्फीयर ए गेट चार्ज पॉजिटिव व्हाइल बी गेट नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये इसका आंसर हुआ। मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इंप्रूवमेंट एग्जाम भर रहे हो, चाहे आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हो, 1 मार्क क्वेश्चन अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए। बच्चों देखो, सोच के देखो, 70 मार्क्स में अगर हम बात करें सीबीएसई की या 56 मार्क्स में हम बात करें आरबीएसई की, आरबीएसई में 13 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क में, सीबीएसई में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क में। बिहार बोर्ड की बात करें बच्चों तो बिहार बोर्ड में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 मार्क में, गौर करें इस बात पे। और एमपी बोर्ड उसमें भी यही पैटर्न है और एमपी बोर्ड का पैटर्न एग्जैक्टली सीबीएसई ने अडॉप्ट किया है। यानी इन 1 मार्क क्वेश्चन में आपको मैच द कॉलम भी मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक भी मिलेंगे, 4 ऑप्शन वाले मिल सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज। तो ये वो सवाल हैं जो आसान बनाने के लिए, सब्जेक्ट को आसान बनाने के लिए, पेपर में मार्किंग पैटर्न को आसान बनाने के लिए, मार्किंग इजी करने के लिए आपको इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो आपको सीधे सीधे इनके नंबर कमाने हैं। पास होने के लिए 24 मार्क्स चाहिए और 20 मार्क्स के अगर 1 मार्क क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो निश्चित रूप से अब पास होना आसान होगा 2020 से। तो देखें आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इनकी प्रैक्टिस आप ऑनलाइन बहुत इजीली कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, स्क्रीन के आगे बैठना है, मोबाइल चलाना है और कंसेप्ट
रिवाइज करते चलना है। तो मैं पूरी तैयारी आपको मेरे चैनल पर यहीं पर करवा देने वाला हूं, यानी छोटे छोटे ये वीडियो, आधा आधा घंटे के वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की यहीं पर हो जाएगी, यानी बाकी टाइम आप कंपटीशन की तैयारी में लगा सकते हैं इजिली। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी हैव चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस 3Q रेस्पेक्टिवली। दोनों एक जैसी हैं, कंडक्टिंग है, इंटरप्रेट करना है। एक पर चार्ज है माइनस क्यू, दूसरी पर है 3Q। जब उन्हें हम कनेक्ट करते हैं तो प्रोसेस होगा कंडक्शन एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी अपार्ट, दूर करके रख देते हैं। तो नेचर ऑफ द कूलम फोर्स उनके बीच हमें बताना है। तो आप देख पा रहे हैं माइनस क्यू 3Q मिलकर जब न्यूट्रलाइज होगा तो 2Q बचेगा, क्योंकि माइनस क्यू से क्यू मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और 2Q उन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। विजुलाइज करते चलिए, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा दिमाग में पिक्चर देखते चलिए, सब तैयार होता चला जाएगा। ए मेटलिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस R1। इमेजिन करो एक खोखला गोला है और वो शेल कैसी है, वॉल मोटी है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, सेंटर पर क्यू रखा है चार्ज। व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द फर्स्ट पार्ट इनर सरफेस एंड सेकेंड पार्ट आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो इसके लिए बच्चों एक डायग्राम इमेजिन करो, डायग्राम बनाकर आप देख सकते हो। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जब निकालेंगे हम तो अंदर की सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस सेंटर वाले क्यू की वजह से माइनस क्यू, और रेडियस क्योंकि R1 है तो सरफेस एरिया वो 4πR1² तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू अपॉन 4πR1² नेगेटिव में, जबकि आउटर सरफेस पर प्लस क्यू बचेगा क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर आए हैं, तो वहां होगी क्यू अपॉन 4πR2². बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, डायग्राम बनाते आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नंबर गड़बड़ हो गया है तो कोई बात नहीं, नंबर को जाने दें। व्हाई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग शेल कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो आपसे पूछ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो पूरे में कांस्टेंट क्यों रहता है, तो उसका जवाब कई तरह से दिया जा सकता है। उनमें से एक तरीका यह है, हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि चार्ज नहीं है, चार्ज जितना भी देंगे कंडक्टर को सारा का सारा आउटसाइड सरफेस पर रिजाइड करेगा, तो फील्ड जीरो है एंड हैज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑन द सरफेस। टेंजेंशियल कंपोनेंट भी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट। इवन इफ ए स्टूडेंट राइट्स बिकॉज इक्वल टू जीरो इनसाइड द कंडक्टर अवार्ड फुल मार्क्स, और नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ऐसा भी लिख दिया किसी ने तो भी पूरे नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तो हम समझते हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होता है माइनस dV/dr, वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कंडक्टर के इंटीरियर में स्टैटिक सिचुएशन में एक्स्ट्रा चार्ज या एक्सेस चार्ज क्यों नहीं होता? तो कोई भी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस आप एस लो किसी कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर जीरो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा गॉस लॉ लगाएंगे तो, क्योंकि चार्ज एनक्लोज जीरो होगा, हेंस बाय गॉस लॉ देयर इज नो नेट चार्ज एनक्लोज आल्सो एक्सेप्ट, यानी ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कॉपी चेक करने वाले को मिलते हैं कि अगर कोई बच्चा लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे स्टैटिक सिचुएशन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी दोनों तरह से हो गया, मुर्गी पहले आई है अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर एट एनी पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर क्यों होती है? तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख रहे हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर नहीं है पर अगर कोई कंपोनेंट्स का टेंजेंशियल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इट विल एक्सर्ट फोर्स और फोर्स भी लगेगा चार्ज पर और चार्ज उस पर मूव कर जाएगा, और चार्ज मूव कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पर तभी मूव करेगा, इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज वायलेटेड। तो कंडीशन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रही, डायनामिक हो गई। तो हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जहां हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ते हैं
वहां पर ये पॉसिबल है पर स्टेटिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो एक तरीका तो ये हुआ बात को कहने का जो लिखा हुआ है, दूसरा तरीका ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, अगर उसका कंपोनेंट टेंजेंशियल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, पर हम जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, उसमें हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल डिक्रीज नहीं हो सकता, पोटेंशियल विल रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उम्मीद है आपने सभी ने पढ़ लिया होगा जहां भी आप पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है, कार्बन रेजिस्टर इज शोन इन द फिगर, यूजिंग कलर कोड राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहां दिया हुआ है ग्रीन, वायलेट, रेड। तो अगर हम टेबल बना लेते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेडी ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वुल्फ वेयरिंग गोल्डन बेल्ट विद सिल्वर बटन्स, तो वो सारा आपको याद होगा जो भी आपने मेमोनिक याद किया है। तो ग्रीन के कोरस्पॉन्डिंग कलर आता है 5, वॉयलेट के कोरस्पॉन्डिंग आता है 7, तो पहले डिजिट 5, सेकंड डिजिट 7, 57 इंटू जो थर्ड रिंग है वो बताती है मल्टीपल 10 की पावर, तो 10 की पावर 2, तो 57 इंटू 10 पावर 2। क्योंकि चौथी रिंग नहीं दी गई है, अगर दी जाती तो हम टॉलरेंस यहाँ पे लिखते, नहीं दी गई तो हम बिना टॉलरेंस के लिखेंगे 57 इंटू 10 पावर 2 ओम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5.7 किलो। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। हम जानते हैं सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, डिक्रीज होगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो गौर करें अब की बार कॉपर जो कि कंडक्टर है उसके लिए रेजिस्टिविटी पूछिए, तो हम जानते हैं अल्फा पॉजिटिव होता है कॉपर के लिए, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ग्राफ लुक लाइक दिस, क्योंकि हम जानते हैं कॉपर जो है सुपर कंडक्टर नहीं बनता, इसलिए ग्राफ इधर जा रहा है। पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप बिलोंग करते हैं राजस्थान बोर्ड को तो वहां ये ग्राफ थोड़ा डिफरेंट वे में दिखाया मेटल्स के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जो सीबीएसई या एनसीईआरटी फॉलो करने वाले बोर्ड है उनके बच्चे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए वो फॉलो करने हैं, वो बनाने हैं। पर अगर कोई आरबीएसई वाला बच्चा है तो उसको अपनी आरबीएसई की जो स्टेट बोर्ड की जो बुक है, जो स्टेट बोर्ड का बच्चा है तो स्टेट बोर्ड की बुक में जो डायग्राम दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं, उसको फॉलो करना होगा बेटर मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन ए वायर बी द सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स Each having internal resistance small r and external resistance capital R। तो हम जानते हैं जो करंट होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्वेश्चन है बच्चों, करंट जो होती है वो होती है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहां हमने देखा टोटल रेजिस्टेंस कितना एक्सटर्नल कैपिटल R के साथ, n सेल सीरीज में तो n टाइम्स स्मॉल r जुड़ गया, तो ये हुआ टोटल रेजिस्टेंस। और आपसे जो पूछा है जो करंट जो है वो सेम रहेगी जब सीरीज में जोड़ा जाए और पैरेलल में जोड़ा जाए एन आइडेंटिकल सेल्स को, तो इसमें आपको कंडीशन निकालनी होगी। तो ये कंडीशन निकल के आती है, कंडीशन आप निकाल सकते हैं इजीली, तो R प्लस एन आर इक्वल टू एन आर प्लस आर, इसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है बच्चों, मैंने ये कॉपी पेस्ट तो मार दिया, मैंने इसको चेक नहीं किया है, इसको चेक कर लें एक बार सीरीज और पैरेलल के लिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वापस डिस्कस करूंगा, ये आपके लिए एक तरह से चैलेंज हो गया बच्चों। सो चेक दिस क्वेश्चन, इट मे बी रॉन्ग, सॉल्यूशन मे बी रॉन्ग हेयर और इट मे बी राइट, सो फाइंड आउट योरसेल्फ। नेक्स्ट है, व्हाई इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल जनरली लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। टर्मिनल वोल्टेज लेस क्यों होती है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ईएमएफ से जनरली तो ज्यादा होता है, ऐसा लिख रहा है इसमें, बट एक्चुअल फैक्ट हम जानते हैं कोई सेल है जैसे 1.5 वोल्ट पेंसिल सेल की बात करें, तो जब उसे करंट ले रहे होते हैं डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्ज जब हो रहा होता है तो ईएमएफ से कम होता है वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल जनरली लेस। चलो सही दिया है, सही दिया है,
मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल जनरली लेस, VE से कम क्यों होता है? तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ दिस सेल ही ऐसा होता है, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है V equal to E minus IR या E equal to V plus IR. तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है बच्चों. रीजन में ये भी लिख सकते हैं, ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इससे भी नंबर मिल जाएंगे. इक्वेशन लिख दी तो भी नंबर मिल जाएंगे. अच्छा यार, एक कॉन्ट्रेरी क्वेश्चन बनता है कि क्या वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से कम होता है या कभी ज्यादा भी हो सकता है, और अगर हाँ आपका जवाब है तो कब? इफ वोल्टेज कैन बी ग्रेटर देन ईएमएफ देन व्हेन, तो हमारा जवाब है जब सेल को हम चार्ज कर रहे होते हैं तब वोल्टेज ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है, और इक्वेशन चेंज हो जाती है, इक्वेशन हो जाती है V equal to E plus IR. Difference फिर से internal resistance की वजह से ही आता है. Next question, name the charge carrier for the flow of current in a conductor and electrolyte. तो गौर करें, ध्यान रखें, conductor में charge carrier सिर्फ electrons, जबकि electrolyte में है positive and negative ions या खाली ions आप लिख सकते हैं. यहीं पर अगर होता gas discharge tube तो आपका जवाब होना चाहिए था electrons and positive ions. नेक्स्ट यूनिट मैग्नेटिज्म पर चलते हैं. ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. तो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को तुमने डबल कर दिया, हाउ विल द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड चेंज. इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसका, रेडियस का. तो रेडियस का एक्सप्रेशन लिखने का आधा नंबर. टू फाइंड द चेंज इन रेडियस, कितना चेंज होगा उस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप निकाल लेते हो, तो ये फॉर्मूला आर इक्वल टू वन अपॉन बी अंडर रूट ऑफ टू एम वी अपॉन क्यू. नई रेडियस आ जाएगी हमारे पास रूट टू टाइम्स, क्योंकि आपने पोटेंशियल को डबल कर दिया है. Alternatively, आप ऐसे भी लिख सकते हैं R proportional under root of V इस formula से, so R dash upon R is root 2. अच्छा, कोई बच्चा अगर लिख देता है QV be equal to MV square by R, तो भी एक number देने के लिए provision है, यानी board बहुत lenient हो गया है. Next question, the magnetic susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 to the power 5. आपसे पूछा है किस टेम्परेचर पर इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी हो जाएगी 1.44 into 10 power 5. तो बच्चों यूनिटरी लॉ का क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. काई एम जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 upon T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो रिलेशनशिप अगर आपने लिखा उसका आधा नंबर है, और टेम्परेचर कैलकुलेट कर दिया तो उसका आधा नंबर है. सिंपल कैलकुलेशन है जैसा आप देख रहे हो. सीधे सीधे रेशो में ये जवाब मिल रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई एम ऑफ ए गिवन मटेरियल इज -0.5. जहां माइनस आ जाए अलर्ट हो जाए, ये कौन सा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा. आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल, तो हमने पहचान लिया कौन सा डायमैग्नेटिक, और अगर ये पॉजिटिव होती है और कम होती है एक से तो पैरामैग्नेटिक, और ये 1000 के ऑर्डर की होती है तो फेरोमैग्नेटिक, पॉजिटिव और 1000 के ऑर्डर. Next question, write the relation for the force acting on a charged particle Q moving with velocity V in the presence of a magnetic field B. So simple sa relation hai, F equal to Q times V cross B. F par bhi vector aayega bachcho. Write one important property of a paramagnetic material. Koi si bhi ek property aap likh sakte hain. Ye attract hota hai field mein. Field lines ko attract karta hai. Weakly attract hota hai. It moves from weaker towards stronger, weaker to stronger field. और भी कोई प्रॉपर्टी जिसमें आप लिख सकते हैं काई एम इज स्लाइटली पॉजिटिव लेस देन वन एंड म्यू आर इज ग्रेटर देन वन. और क्यूरी लॉ का भी जिक्र आप कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज करते हैं और लेस पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है या नहीं होता है? तो हम जानते हैं जब तक बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है बच्चों.
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज स्पिन है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो सही जवाब है नो। बट जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही उन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन के कंसेप्ट से दूसरा इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएगा, एक फास्ट हो गया दूसरा स्लो हुआ, और ये इस तरह से होता है कि जो फास्ट हुआ वो जो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, और इसी को हम डायमैग्नेटिक बिहेवियर कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ पार्ट 3 में। थैंक यू।